نحمد ونصلي على رسوله الكريم <applause> أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلى لقطة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمام تعريفه تمام حمد तमाम सना अल्लाह ताला के लिए थी अल्लाह ताला के लिए हैं और अल्लाह ताला की ही रहेंगी। रहेगी दरूद आप पर मैं दुआ करता हूँ कि मेरे ये गुफ्तु मेरा ये बयान जो कौन से है ये एक सदका इजारिया बने मेरे उस के लिए मेरे शयूख के लिए और मेरे वालदेन के लिए इंसान की ज़िंदगी में कुछ मरहले हैं कुछ स्टेजेस हैं उसकी लाइफ के अंदर एक तो स्टेज उसकी ये दुनिया की ज़िंदगी है जहाँ पे वो फुल मेहनत लगन से कोशिश करता है दूसरी इसकी ज़िंदगी एक है आखिरत की और तीसरी एक लम्हा है उसकी इस दुनिया की ज़िंदगी में और आखिरत की ज़िंदगी के बीच में इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही डिटेल में बहुत ही ज़बरदस्त अंदाजे में और बहुत डिस्क्रिप्टिव अंदाजे में एक हदीस ने बयान किया है वो वक्त जब आप बिल्कुल अपने मौत के बिस्तर पे बैठे हो, होते लेटे हुए होते हैं वो वक्त जब आपके प्यारे आपकी फैमिली उस वक्त रो रही होती है वो वक्त जब आप बिल्कुल एज पर होते हैं ये दुनिया छोड़ने की बिल्कुल एज पर होते हैं इस दुनिया से रुखसत होने की बेरोबिन आज़बल्ल वो फरमाते हैं कि एक वक्त में हम लोग आप के साथ कब्रिस्तान जा रहे थे एक मैय को लेकर एक अंसारी की मैत थी वो अनसार जिन्होंने आप सल्ला वम और मुसलमानों की और महाजरीन की इतनी मदद करी थी जब वो जब महाजरीन मदीना शरीफ आए थे वह अनसाह जिन्होंने अपना आधा आदि दौलत आधा सब कुछ दे दिया था महाजरीन के लिए उनमें से एक अनसार की एक मईत थी और जब पूरा काफ़िला वसल्लम के साथ कब्रिस्तान तक पहुंचा उन्होंने देखा वो कब्र रेडी नहीं थी कब्र तैयार नहीं थी तो हदीस के अल्फाज हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि जलासार्लाम कि वसल्लम फिर बैठ गए थे और फिर सहाबी भी कहते हैं कि हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द बिल्कुल बैठ गए थे और उस वक्त वो मनाजिर कुछ ऐसे थे वो वक्त कुछ ऐसा था वो परेशानी कुछ ऐसी थी कि एक अंसारी साहबी के माओ की मौत हो गई थी तो सारे साहबी बहुत परेशान और फिक्र वरी में, में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसपास बैठे हुए हैं वो साहबी कहते कि हम लोग इस तरीके से बैठे हुए थे कि हमारे सर के ऊपर या फिर हमारे शोल्डर्स के ऊपर एक परिंदा भी आके बैठ सकता था परिंदा भी आट के एक रेस्ट कर सकता था हम लोग इतने सोच के अंदर इतने उस वाक्य के लेके इतने मगन थे इतने ज़्यादा उस उस डेथ के वरे, की वजह से डिस्टर्ब हुए गए थे कि हमें पता नहीं था क्या हो रहा है और उस वक्त आप सल्ला वम ने एक लकड़ी अपने हाथ में पकड़ी हुई थी और जमीन को थोड़ा सा खुरच वो खुर फरमाते हैं कि आप वसल्लम ने तीन मरतबा तीन दफा ऊपर देखा फिर नीचे देखा फिर ऊपर देखा, देखा उन्होंने फिर नीचे देखा फिर ऊपर देखा उन्होंने फिर नीचे देखा फिर और आप सल्ला वसम ने फ़रमाया इस तय मना जाबिलकबर तीन मरतबा और फिर आपने वह दुआ भी मांगी जो हम लोग अक्सर अकात पे नमाज़ें पढ़ते अल्लाम आउ का मे नजाबिलक़बर हम आउज़ुबी का मे नजाबल कबर अल्लाम आउी का मे नजाबिलक़बर और अपने सहाबी से अपने साहबों से हुक्म दिया कि अल्लाह से पना मांगो कबर के अहब से अल्लाह से पना मांगो कबर के अहब से अल्लाह से पना मांगो कबर के अहब से फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो पूरी जर्नी वो पूरा वाकिया, वो पूरा लम्हा जब एक इंसान बस रुखसत होने लगता है इस दुनिया से अपनी अगली ज़िंदगी के लिए बयान करा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मोमिन मोमिन कौन जो नमाज में खुशव करता था मोमिन कौन जो ख़याल रखता था वो क्या बातें बोल रहे हैं जो ख्याल रखता था अपनी नमाज़ों का अपने रोज़ों का अपने इर्द गिर्द के लोगों का अपने रिश्तेदारों का कि जब मोमिन का इंतकाल होता है या जब मोमिन अपने मौत के करीब आता है उस वक्त उसके आसपास जब उसके सारे रिश्तेदार पूरी फैमिली उसके दोस्त उसके अहबाब उसके चाहने वाले लोग जब आसपास उसके करीब होते हैं सब लोग जब रो रहे होते हैं कि बस उसके आखिरी वक्त आ गया है उस वक्त वो शख्स वो मोमिन पूरा मनाजरा देख रहा होता कि उसके बाद साथ हो क्या रहा है उसकी फैमिली यहाँ पर रो रही है उसके दोस्त यहाँ पर रो रहे हैं उसके औलाद उसकी बीवी उसके माँ बाप सारे गिर गिरा के रो रहे हैं कि अल्लाह इसको कबर के अज़ाब से बचाइएगा कि अल्लाह इसके लिए आसानी फरमाइएगा कि अल्लाह इसके लिए इसको जन्नतलफरदोस में आला मकाम फ़रमाइएगा उस वक्त वो मोमिन सारा मनाजरा देख रहा होता है वो ये देखता है कि उस वक्त आसमानों से इतने सादा फरिश्ते इतने खूबसूरत फरिश्ते इतने चमकते हुए फरिश्ते आ रहे होते हैं उसके पास और जहां तक उसकी नजर जारी होती है आसमानों तक उसको फरिश्ते ही फरिश्ते नजर आ रहे होते हैं खूबसूरत चेहरे हैं चमकते हुए चेहरे हैं हदीस में आता है कि उस फरिश्तों के चेहरे इतना ज्यादा चमक रहे होते हैं कि वो सूरज जैसे लग रहे होते हैं और ये पूरा वो मनाजरा पूरा ये वाक अपनी आंखों से देख रहा होता है सब कुछ उसको नजर आ रहा होता है उस वक्त जब उसके सारे रिश्तेदार रो रहे होते हैं वो ये देख रहा होता है कि इतने फरिश्ते इतने खूबसूरत फरिश्ते मेरी तरफ आ रहे हैं इतने चमकते हुए फरिश्ते मेरी तरफ आ रहे हैं उनके पास इतनी खुशबूएं होती हैं जन्नत की उनके पास इतने खूबसूरत लिबास होते हैं इतने खूबसूरत कफन होते हैं जन्नत के और वो आसपास आके उसके पास बैठ जाते हैं जरा सोचें कि वो मोमेंट क्या सोच रहा होगा उस वक्त जरा सोचें उस मोमिन के ऊपर क्या गुजर रहा होगा उस जरा सोचे कि वो जहां तक भी देख रहा है उसको फरिश्ते ही फरिश्ते देख रहे हैं खूबसूरत तरह फरिश्ते और उसके पास आस पास आके वो सारे फरिश्ते बैठ जाते हैं जरा सोचिए और फिर उसके पास वो ये मनाज़रा भी देखता है कि मलकल मौत आता है वो बिल्कुल उसके सामने दिख रहा होता है मौत और आपकी की हदीस है बयान करते हैं कि मलक्यल मौत मल मौत उसके पास आता है और उसके सर के पास आके बैठ जाता है कि बिल्कुल उस वक्त का वाक़ है जिस वक्त वो इंसान वो मोमिन ये दुनिया छोड़ने लगा होता है ये दुनिया रुखसत करने लगता है और अपनी अगली जिंदगी स्टार्ट करने लगता है उसके दरमियान का वाक्य इसमें कितना टाइम लगता है टाइम का तो अब इसमें कोई कोई ताल्लुक के नहीं है ना टाइम तो इस दुनिया का एक एक फलसफा इस दुनिया का एक एक कॉन्सेप्ट है इस दुनिया का एक एक फिलॉसफी है यह उस वक्त का वाक्यबर बस तैयार हो रही होती है लोग रिश्तेदार रो रहे होते हैं शुदा दुआ मांग रहे होते हैं और ये मोमिन ये पूरा मनाजिर अपने सामने देख रहा है और फिर मलकल मौत वो मलकल मौत जिसने हम सब के पास आना है जिस जो हर किसी जो भी इंसान इस दुनिया को छोड़ चुका है उस सब के पास आ चुका है वो मलकुल मौत इस शख्स से इस मोमेंट से इस अल्लाह के बंदे से कहता है अये तू है नफ्स अयो तो है नफ्स तयेबा उखरे के ए पाकीजा रू ए जबरदस्त रू ए तैयब रू ए खूबसूरत रूह अपने जिस्म से निकल और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए अल्लाह ताला की पनाह के लिए और अल्लाह ताला के रिवॉर्ड के लिए निकल और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये रू इतनी ख़ूबसूरती से इतनी नरमी से इतने प्यार से इस जिस्म से निकलती है कि जैसे आप एक जग में से पानी जिस तरीके से निकालते हैं उस तरीके से ये रूह इतने प्यार से इतने नरमी से निकलती है कि बस बिल्कुल आपने सिर्फ जग को या फिर पानी का कोई भी कटोरा हो या फिर कोई पानी का कोई भी आप बोतल हो जिस तरीके से आप पानी स्टोर करते हैं आपने सिर्फ एक हल्का से टिल्ट करना होता है वो फौरन पानी निकलता है उस तरीके से ये रूह इतने नरमी से इतने आ, आराम से निकलती है और आप वसल्लम फरमाते हैं मलकुल मौत उस रू को फौरन पकड़ लेता है फौरन कब्ज कर लेता है एक पलक के लिए भी उसको अपने हवाले नहीं करता उसको फौरन छपक लेता है फौरन पकड़ वाक्य है कि जब ये सब सब लोग आसपास बैठे हुए होते हैं उसके रिश्तेदार ये सब वाक्य उसके साथ गुजर रहा होता है अब सरा सोचें कि मोहमेन के ऊपर उस वक्त क्या गुजर रहा होगा वो क्या सोच रहा होगा ये मेरे साथ क्या हो रहा है कि इतने थे मेरे पास मौत मेरी रूह इतने प्यार से निकाला मौत ने मेरी रूह इतनी नरमी से निकाला सब लोग मेरे पास इतनी जबरदस्त खुशबू लेके आए हुए हैं सब लोग मेरे पास इतनी जबरदस्त कफन लेके आए हुए सब लोग मेरे पास इतने जबरदस्त लिबास लेके आए हुए हैं सब लोग इतने जबरदस्त खूबसूरत लोग मेरे पास मैंने ऐसा क्या कर दिया था मैंने ऐसा क्या कर दिया था और जैसे ही मलकल मौत उस रूह को निकाल के पकड़ता है उस रूह को निकाल के अपने पास से पकड़ता है फौरन ही उसको जन्नत के उन लबाजों में जन्नत के उस कफन के अंदर लपेट दिया जाता है और वो तमाम तर खुशबूआई जो आसारे फरिश्ते लेके आए वो उसके ऊपर लगा दी जाती है उसकी रूह पे पूरी लगा दी जाती है और आप वसल्लम फरमाते कि वो खुशबू ऐसी खुशबू है कि दुनिया के अंदर जितनी भी खुशबू हैं जितनी भी खुशबू हैं इस जितनी भी टॉप की खुशबू है उससे अफजल तरीन खुशबू उसके ऊपर लगा दी जाती है जरा सोचिए कि उस इंसान के ऊपर क्या गुजर रहा होगा उस वक्त वो क्या सोच रहा होगा कि ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा है ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा है वो कितना परेशान हालत में होगा और वो कितना वो इतनी परेशानी की हालत में होगा वो उसको समझ में भी नहीं आ रहा होगा कि मेरे साथ अभी हो क्या रहा है कि ये सारे फरिश्ते मेरे साथ कर क्या रहे हैं कि मेरे अमाल ऐसे थे कि ये मेरे साथ हो रहे हैं मैंने अल्लाह ताला की फरमाए फरमादारी इतनी ज्यादा करी मैंने आप आ... के ऊपर इतनी ज्यादा फॉलो करा है मैंने कि ये मेरे साथ हो रहा है और जैसे ही वो सारे फरिश्ते उसको उस लिबास के अंदर उस कफन के अंदर लपेट के वो सारी खुशबू लगाते हैं फिर उस रूह को मलक मौत और वो फरिश्ते आसमान की तरफ लेके जाना चल लेके जाते हैं और जमीन के दरमियान और आसमान के दरमियान जितने भी फरिश्ते हैं जितने भी फरिश्ते इस जमीन और इस आसमान के दरमियान उस रूह को जाते हुए देखती है उस रूह को सुनते हुए देखती है वो पूछती है वो सारे फरिश्ते पूछते हैं कि ये कौन है कि ये किसका बेटा है कि ये कौन जा रहा है जिसमें से इतनी जबरदस्त खुशबू आ रही है, ये कौन जा रहा है जिसने इतना जबरदस्त लिबास पहना हुआ है ये कौन जा रहा है इतने ज्यादा फरिश्तों के साथ कौन जा रहा है और वो फरिश्ते अल्लाह वो फरिश्ते क्या जवाब देते हैं वो फरिश्ते जवाब देते हैं कि ये फलान इब्न फलान है कि ये उस शख्स का बेटा है कि ये उस बंदे का बेटा है यहां पे हमारे वालदेन हमारे माँ बाप कितनी कोशिश करते हैं कितने बताते हैं कि मेरे बेटे ने फलाना कर दिया है मेरे बेटे ने फलाना कर दिया है मेरा बेटा तो एम भी पढ़ लिया मेरा बेटा तो डॉक्टर भी बन गया मेरा बेटा तो फलाना इंस्टीट्यूट से डॉक्टर बन गया हम लोग इस दुनिया की इज्जत पाने के लिए हमारे वालदे कितनी कोशिश कर रहे होते हैं कि हाँ यार ये मेरे बेटे ने कराए हमारे वालदेन कितनी कितनी जद्दोजहद कितनी मेहनत और कितने कितनी उम्मीद से ये सब रिश्तेदारों को सब दोस्तों को बता रहे होते हैं कि मेरे बेटा जो है वो डॉक्टर बन गया मेरा बेटा जो है उस इंस्टीट्यूट से पढ़ा मेरा बेटा जो है ना वो अमेरिका में प्रैक्टिस कर रहा है मेरे बेटे जो है वो सारे के सारे बाहर हैं मेरे बेटे जो है उन्होंने इस इंस्टीट्यूट से पढ़ा मेरे बेटे ये कर रहे हैं अभी होता है ना कि अक्सर हमारे वालदेन जब किसी शादी ब्याह में जा रहे होते हैं तो इंट्रोडक्शन ही होता कि ये मेरा बेटा है ये ये कर रहा है वो फलाना कर रहा है तो आप जरा सोचे हैं कि फरिश्ते आपको आपके वालदेन के नाम से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं बाकी फरिश्तों को और हम इतनी मेहनत कर रहे होते हैं इस, इस दुनिया के अंदर कि यार मेरी वालदेन मुझसे खुश हो जाए मेरे वालदे मुझसे राजी हो जाए मेरे भी वालदेन मुझे मेरे लिए तारीफ़ करें जब वो किसी फंक्शन में जाएं मेरे भी वालदेन मेरे लिए तारीफ़ करें जब वो अपने दोस्तों से कोई गुफ्तगु कर रहे हो मेरे भी वालदेन मेरी तारीफ़ करें तो अल्लाह के बंदो यहाँ तो फरिश्ते आपके वालदे की तारीफ़ कर रहे हैं और आपकी तारीफ़ इस तरीके से हो रही है कि ये फ़लॉँ इबन फ़लॉँ है कि ये वो शख्स ये वो मोमिन है ये वो, वो अल्लाह का बंदा है जो उसका बेटा है जो उसकी औलाद है और फिर जो नाम जो, जो जो अच्छे नाम जिस अच्छे नाम से आपको इस दुनिया में पुकारा जाता था जैसे मसला अगर कोई हाजी है तो जैसे काफी लोग हाजी साहब कह के पुकारते हैं काफी लोग पुकारते हैं शेख या फिर अगर कोई बंदा बहुत ज्यादा मिसकिनों को खाना खिलाता था तो वो बोलते थे कि हाँ ये बंदा वैसे जो मिसकिनों को बहुत खाने खाना खिलाता है या फिर अगर कोई बंदा ऐसा था जो बहुत जबरदस्त टॉप लेवल की लोगों की खिदमत करता था तो फिर लोग बताते थे कि हाँ यार ये बंदा वैसा है जो काफी लोगों की मदद करता है लोगों की बहुत मदद करते हैं मैं बहुत आगे ये या फिर कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ यार ये बंदा नमाज नमाजी है नमाज नहीं छोड़ता या फिर कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ यार ये बंदा जो है ये रोजेदार है ये रोजे नहीं छोड़ता तो अल्लाह आप सिर्फ प्रोटोकॉल चेक कर रहे हैं अल्लाह ताला की कि वो फरिश्ते जो आपको लेके जा रहे होते हैं या फिर जो उस रूह को लेके जा रहे होते हैं आसमान की तरफ वही फरिश्ते सब नाम से आपकी तारीफ कर रहे होते हैं बाकी फरिश्तों के फलान इबन फलान है, है वही नमाजी ये फलान इबन फलान वही हाजी ये फलां इबन फलान वही बंदा जो मस्किनों को खाना खिलाता था ये फलां इबन फलाने वही बंदा जिसके घर पर अगर कोई भी आ जाता था वो खाली हाथ वापस नहीं लौटता था ये फुलहान इबन फुलान है जो मस्किनों को खाना खिलाता था यह फलहन अबन फुलान है जो लोगों को पानी पिलाता था यह फलहन अब फुलान है जो हमेशा टॉप आगे नमाज में आगे सफ के अंदर नमाज पढ़ा था यह आपकी तारीफ होंगी ये उस मोमन शख्स की तारीफ होंगी और ये तारीफ कौन कर रहा है ये मैं नहीं कर रहा यह आपके वालदेन नहीं कर रहे ये तारीफ तो अल्लाह की वो मखलूक कर रही है जो आसमानों से आपके रूह को लेने के लिए आई थी ये तारीफ तो वो फरिश्ते कर रहे हैं और यह तारीफ किन को करी जा रही है उन सब फरिश्तों को जो आपके बारे में या फिर उस मोमिन शख्स के बारे में पूछ रहे हैं कि यह है कौन इतना खूबसूरत यह है कौन जिसमें से इतनी खुशबू मिल रही है ये है कौन रूह तैयबा ये है कौन तो मेरे भाइयों जिन जिनको वो दर्द होता है कि यार मेरे माँ बाप मेरी तारीफ़ नहीं करते लोगों के सामने जिनको वो दुख पहुँचता है कि यार मेरे माँ बाप मेरे बारे में इतनी तारीफ़ नहीं करते हैं मेरे भाई के बारे में तो बोलते हैं बहुत मेरी बहन के बारे में तो बहुत बोलते हैं पर मेरे बारे में तो कभी जिक्र नहीं करा अपने रिश्तेदारों के बारे सामने या फिर जिनके माँ बाप या फिर जिनकी फैमिली उस रिश्तेदार के हमेशा आपके सामने तारीफ कर रहे होते हैं क्या वो देखो यार वो कज़न आपका जो हमेशा टॉप आ रहा होता है मेरे भाई यहाँ पे आपके फरिश्ते जो है ना और फरिश्ते जो है ना आपकी तारीफ कर रहे होंगे और उन्हीं वालदेन की तारीफ कर रहे होंगे जो आपको यहाँ पे भूल रहे होते जो यहाँ पे आपको तारीफ नहीं कर रहे होते फरिश्ते आपकी तारीफ़ कर रहे होते हैं और किसको बाकी फ़रिश्तों को फिर ऐसे ही करते करते तारीफ़ करते 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 पहले आसमान तक ये रूह पहुंचती है और जन्नत के पहले दरवाज़े पे आसमान के पहले दरवाज़े पे खटखटागते हैं और वो जन्नत के दरवाज़े इस रूह के लिए फौरन खुलती है फौरन खोल दिए जाते हैं और ये सब मनाजिर तब हो रहा है जब ये बंदा बिल्कुल अपने डेथ बेड पे इसके रिश्तेदार इर्द गिर्द इसके पास रो रहे हैं इसके रिश्तेदार इर्द गिर्द इससे इसके लिए दुआ मांग रहे हैं इसके रिश्तेदार इसके इर्द गिर्द बैठ के वही सोच रहे हैं कि अल्लाह इसको क्यों ले लिया कि तब का मनाजिर है कि पहला दरवाज़ा क्यों खुलता है उसके लिए और आप सिर्फ प्रोटोकॉल देखें कि अल्लाह ताला ने इस रूह के लिए प्रोटोकॉल कितनी दी है कि वो पहली आसमान वाले जो फरिश्ते उसके उसके उसी उसके साथ उस प्रोटोकॉल के साथ जुड़ जाते हैं और उसको नेक्स्ट आसमान के लिए लेके जा रहे होते हैं तो पहला वाक्य वो हुआ कि वो सारे फरिश्ते आसमान से और जन्नत से आपके पास आ रहे थे आपके पास आए इस जिसम इस रूह के पास आए उसको फ़ौर इतने मुलायम इतने नरम से इतने खूबसूरत तरीके से बिल्कुल पेनलेस तरीके से उस रूह को फ़ौर निकाला उस रूह को जन्नत के लिबास के अंदर जन्नत के कफन के अंदर लपेटा उस रूह को बेहतरीन सबसे बेहतरीन मश्क सबसे बेहतरीन मस्क या खुशबू के साथ धोया गया लगाए गई फिर उसको प्रोटोकॉल लेते लेके लेके आते रहे ऐसा प्रोटोकॉल जिसमें फरिश्ते पूछ रहे थे कि ये कौन है फरिश्तों से और फरिश्ते आपकी तारीफ कर रहे थे कि ये फलान फ़लान है वही नमाजी वही परेजगी वही बंदा जो मस्किनों की इतनी हेल्प करता था वही बंदा जो इत, रोजों में इतना आगे होता था वही बंदा जो नमाजों में इतना आगे होता था वही बंदा जो फलाह कामों के अंदर इतना आगे होता था ये फरिश्ते तारीफ करते करते पहले आसमान तक पहुँचे और फिर ये पहले आसमान वाले फरिश्ते भी इसी मजमे के साथ इसी पूरे प्रोटोकॉल के साथ जुड़ के आप इस रूह के साथ मजीद आगे जाते हैं और वही वाक्या वही फरिश्ते पूछते हैं कौन है ये स, ये ये इतनी तयब रूह कौन है ये इतनी तयब रूह कौन है इतनी खूबसूरत रूह कौन है जिसमें से इतनी खूबसूरत खुशबू आ रही है पहले आसमान के भी फरिश्ते आपसे यही पूछ रहे हैं वही जवाब कि ये फ़लान इब्ने फलां है वही नमाजी वही बंदा जो مسکینوں की इतनी मदद करता था वही हाजी वही बंदा जिसने इतनी मेहनत इतने लगन से इस दुनिया के अंदर मेहनत करी उस आखरत के लिए तो सल्लल्लाहु आप वसल्लम फरमाते हैं कि यह सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ते रहता है और फिर दूसरे आसमान तक पहुँचते हैं और वही जन आसमान के दरवाजे फौरन उसके लिए खुलते हैं और वही सिलसिला दोबारा कि इस वाले आसमान के भी फरिश्ते उस काफिले के साथ उस रूह के साथ जुड़ जाते हैं और मजीद आगे जाते हैं प्रोटोकॉल चेक करने के कितनी प्रोटोकॉल अल्लाह ताला ने इस रूह को दिया कितन, कितना कितना इतमान इस रूह को अल्लाह ताला दिला रहे हैं कितना रिलैक्स कर रहे हैं इस रूह को कितना रिवॉर्ड दे रहे हैं इस रूह को उसकी मेहनत पर उसकी जस्तजू पर उसका उसकी सबर पर उसकी सेक्रीफाइसिस के लिए इस दिन के लिए इस रूह को कितना ज्यादा रिवॉर्ड मिलता है और फिर यही सिलसिला आगे बढ़ता रहता है फिर तीसरे आसमान तक वही प्रोटोकॉल वही फरिश्ते उसके साथ जुड़ गए फिर चौथे आसमान तक वही प्रोटोकॉल चौथे आसमान वाले फरिश्ते इसके साथ जुड़ गए वही फिर सिलसिला पांचवे आसमान तक पांचवे आसमान वाले फिर फरिश्ते इसके साथ जुड़ गए पांचवे आसमान पर भी फरिश्ते पूछ रहे कौन है ये रूह जो इतनी खूबसूरत इतनी जबरदस्त खुशबू आ रही है इतनी चमकती भी है फिर छठे आसमान पे यही सिलसिला पूरा प्रोटोकॉल इसके साथ चल रहा है अब सिर्फ देखें अब सिर्फ सोचें कि अल्लाह ताला ने फरिश्ते कितने बनाए कि ये फरिश्ते इसके साथ जुड़े जा रहे हैं सुभान अल्लाह और अब सिर्फ सोचें मतलब हम तो सोच भी नहीं सकते इसके बारे में पर आप सलम की हदीस है कि फरिश्ते हैं ही कैसे आप जब जबरील को डिस्क्राइब कर रहे थे जबरील आलिम को जब एक्सप्लेन कर रहे थे जबरील आलाम को जब उम्मत को और साहबी को डिफाइन कर रहे थे डिस्क्राइब कर रहे थे उन्होंने बताया कि कि जबरीर आलाम इतने बड़े थे इतने वसी थे कि उनके जो पर्थे वो सिक्स हंड्रेड टाइम्स इतने ज्यादा पर थे और उनके पर इतने बड़े थे इतने ज्यादा वसी थे इतने ज्यादा फैले हुए थे कि उसने पूरे आसमान को जब आसलम के पास आए थे पूरे आसमान में वो सिर्फ एक ही फरिश्ता देख रहा था तो आप सिर्फ सोचें कि इस मोमिन रूह के साथ किस किस्म के फरिश्ते कितने बड़े फरिश्ते कितने ज्यादा फरिश्ते इतने खूबसूरत फरिश्ते जुड़ के उसके साथ ये पूरा मनाजिर ये पूरा सिलसिला ये पूरी जर्नी उसके साथ कर रहे हैं और ये जर्नी तब हो रही है जब आपके रिश्तेदार जब इस रूह के रिश्तेदार वहाँ पे बैठ के रो रहे हैं कि ये ये बंदा इस इस दुनिया से रुखसत हो गया आपके लिए रो रहे हैं कि अल्लाह ताली इसको इसके लिए आसानी फरमाना कि अल्लाह ताली इसके लिए खबर में आसानी फरमाना और उनको ये नहीं पता कि इस रूह के साथ अभी चल के आ रहा है और ये रूह कम्प्लीटली ये सारी चीज़ें देख रही है ये रूह एक एक मनाजिर एक एक इंसिडेंट एक एक फरिश्ते को जहाँ तक उसकी नजर जा रही है देख रही है और यही सिलसिला मजीद आगे बढ़ते बढ़ते छठे आसमान तक पहुँचता है पर छठे आसमान वाले भी फरिश्ते इसके साथ जुड़ जाते हैं और वही सवाल कि कौन है ये रूह ये वही रूह है फलान अपने फलान और यही फरिश्ते उसके साथ जुड़ते 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 सातवें आसमान तक पहुँचते हैं सुबहाना अल्लाह जरा सोचें ये कि सातवें आसमान तक ये पाकिजर रूह ये मोमिन रूह सातवें आसमान तक इस प्रोटोकॉल के साथ पहुंच दिया फिर सुबह आप वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला, है। अल्ला ताला का हुक्म आता है अल्लाह ताला का हुक्म आता है इस रूह के लिए कि तुब लिख दो इस रूह को के अंदर किस के अंदर के अंदर वो किताब जिसके अंदर वो रूह वो शख्स वो मोमिन का नाम लिखा जाता है वो इफ़लान इबन फलान जिन्होंने फला पा गई है जो जन्नतफरदोस में जाएंगे जो जन्नत के अंदर दाखिल जाएंगे तो फिर दोबारा फरमाते हैं कि ताला को आता है कि इस रू को दोबारा लौटाएंगे क्यूं? तो सिलसिला शुरू यहां से हुआ था कि आपके पूरे रिलेटिव सारे रिश्तेदार इर्द गिर्द आपके बैठे हुए फरिश्ते आपके पास आए खूबसूरत तरीन फरिश्ते चमकते हुए फरिश्ते आपको जन्नत के कपड़े के अंदर जन्नत के कफन के अंदर लपेटा मौत ने आपके रूह को इतने खूबसूरत तरीके से निकाला इतने आसानी से निकाला इतने नरमी से निकाला पर जन्नत के कफन में आपको लपेटा खुशबू लगाई आपको और फरिश्ते के मजमे में फरिश्ते के जुलूस के अंदर फरिश्ते के साथ प्रोटोकॉल के साथ आप एक, -एक आसमान को क्रॉस करते 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 गए सातवें आसमान तक पहुंचे जहां पे आ अल्लाह ताला ने आपकी रूह को रिस मोमन रू को ये हुक्म दिया कि लिख दो तो इसको अल्लाह और हुक्म ये दिया गया कि इस रूह को दोबारा इस जिस्म के साथ मिलाया जाए दोबारा और ये वो वक्त है जब इस रूह को इस जिस्म को कबर के अंदर लिटाया जा रहा होता है ये वो वक्त है कि कबर के अंदर उस रूह को लिटाया जा रहा होता है उसके रिश्तेदार हाथ दे के उसको लिटाए जा रहे हो रहे होते हैं कबर के अंदर उसके रिश्तेदार उसके ऊपर मिट्टी डाल रहे होते हैं ये वो वक्त है कि आखिरी दफ़ा उसके लिए दुआ मांग रहे होते हैं कि आखिरी दफ़ा कोई अगर कोई अच्छी बात कोई खुदपा कभी अंदर दे रहा होता है ये वो वक्त है और आप साम कहते हैं कि वो रूह सुन रही होती है जब उसके रिश्तेदार जा रहे होते हैं जब उसके रिश्तेदार उसके ऊपर मिट्टी फेंक रही हो तो वो रूह सुन रही होती है वो जिसम सुन सुन रहा होता है कि उसके साथ हो क्या रहा है वो सुन रही होती है कि ये एक, -एक करके मेरे रिश्तेदार जा रहे हैं यहाँ से कबर से एक एक करके मुझे छोड़ के यहाँ से सब लोग जा रहे हैं अल्लाह ताला ने उस रूह को इतना रिलैक्स ऑलरेडी कर दिया होता है इतना रिलैक्स ऑलरेडी उसको पहुंचा दिया होता है इतना ज्यादा उसको इत्मीनान ऑलरेडी दिया जाता है ताकि वो घबराए ही नहीं ताकि वो परेशान ना हो और फिर जब उसके रिश्तेदार एक एक करके उसको छोड़ जाते हैं वहां से एक एक करके उसको कब्र के अंदर अकेले छोड़ जाते हैं हम तो यहाँ पे बड़ा सोचते हैं कि हम ये करेंगे ज़िंदगी के अंदर ये मेरे बहुत ज़बरदस्त रिश्तेदार हैं ये मेरी औलाद है एंड में कोई भी नहीं होगा आपके साथ ये सारे एक एक करके जब चले जाएंगे और आपकी रूह को आपके जिस्म के साथ दोबारा जोड़ दिया जाएगा और आपको कब्र के अंदर दोबारा लेटा दिया जाएगा और कबर में आप बिल्कुल अकेले जब लेटे पाएंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दो हमारे दो दोबारा फरिश्ते आएंगे आपके आखिरी इम्तिहान के लिए आपके आखिरी इम्तिहान के लिए आपके आखिरी आजमाइश के लिए वन लास्ट टाइम दो मला के मलाई का आएंगे दो फरिश्ते आएंगे आपके पास जब आप रूह के जब आप कबर के अंदर बिल्कुल अकेले बिल्कुल सुनसान आप होंगे आखिरी दफा दो एक फरिश्ते आएंगे आपके पास और आप के अदीस में आता है कि वो आपको सुन, बिठाएंगे कबर के अंदर दोनों फरिश्ते या फिर एक फरिश्ता आपको बिठाएगा कबर के अंदर आपके आखिरी आजमाइश के लिए आपके आखिरी टेस्ट के लिए आपके आखिरी इम्तिहान के लिए और वो पूछेंगे मन रब जबकि अल्लाह अभी थोड़ी देर पहले ही आपके साथ वो पूरा वाकया हुआ है इसमें फरिश्ते आपको सातवें आसमान तक ले गए अल्लाह ताला का आया कि इसको एलियन के अंदर लिख दिया जाए इसका नाम पर फिर भी हुक्म और फिर भी रजिस्टर करना है कि इस बंदे ने इन जवाब इन सवाल जवाब आप सही दिया है या नहीं दिया है पर आप सोचें कि आप किसी इंटरव्यू में जाए और आपको पहले ही बता दिया जाए कि आपको ये जॉब आप मिल गई है तो आप कितने कॉन्फिडेंस से उस इंटरव्यू के अंदर बैठे होंगे कितने कॉन्फिडेंस से आप उस टेस्ट के अंदर बैठे होंगे जिसके सवाल आपको जवाब ऑलरेडी आपको पता हो जिसका रिजल्ट आपको ऑलरेडी पता हो कि मैं तो उस रिजल्ट को ऑलरेडी पास कर चुका हूं पर फिर भी वो फरिश्ते आपको डराते हुए पूछेंगे मन रुक और ये रूह ये पाकिजा रूह ये रु ये रुओ तय ये रु मुतम ये जवाब देगी रही अल्लाह मेरा रब अल्लाह है सुबह फिर दूसरा सवाल होगा मैं कि तुम्हारा दीन क्या था कि तुम किस उसूल के ऊपर किस दीन के ऊपर चलते थे अल्लाह जरा सोचें कि ये पूरा वाक्य आपके साथ ऑलरेडी हो चुका है फिर भी आपसे ये टेस्ट लिया जा रहा है फिर भी ये आपसे पूरे का पूरा चेकलिस्ट लिए जा रही है मैं दिन और ये रूह ये रूह ते ये जवाब देगी दिनक इस्लाम मेरा दीन इस्लाम है और फिर तीसरा सवाल पूछा जाएगा मैं हैदर जो वो कौन था ये बंदा जो तुम्हारे पास आया था वो ये कौन है ये बंदा और सुबहान अल्लाह ये रू जवाब देगी कि ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और तो फिर ये दोनों फरिश्ते पूछेंगे कि तुम कैसे जानते हो कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है तुमने देखा तो नहीं है इनको सुबहानल्ला आपलम कहते हैं ना कि मेरे जो उम्मत है वो तो वो लोग हैं जिन्होंने मुझे बग़ैर देखा मेरे पे ईमान लाएंगे तो इस दौरान जब ये दोनों फरिश्ते आपसे पूछ रहे होंगे कि तुम कैसे जानते हो उनको तो अल्लाह अकबर ये रू जवाब देगी कि मैंने अल्लाह की किताब के अंदर ये पढ़ा है और मैं इस किताब के ऊपर और आप के ऊपर ईमान लाया अति वती रसूल व किताब अल्लाह, और मैं आप की और इस किताब के हुक्म रु की आप अल्लाह रु 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 के हुक्म कर अल्लाह के हुक्म पर मैंने ईमान लेके आया मैंने उसके ऊपर तस्दीक करी मैं अमल भी उस उसी मुताबिक करे जिस मुताबिक आप सोल्ल ने मुझे सिखाया हमें सिखाया और इस किताब ने हमें सिखाया ये सारे सवाल तब हो रहे हैं आपसे जब आप वो पूरा वाक्य आपके सामने देख चुके हो वो सारी चेकलिस्ट वो सारे फरिश्ते वो सारी जन्नत की आपके ऊपर लिबास वो खुशबू वो सात आसमान वो वोलीन के अंदर आपका नाम लिखना और फिर इन सारे जवाब सवाल के सही जवाब देना और उसकी तस्दीक कौन करेगा आप वसल्लम हदीस में फरमाते इसी हदीस के अंदर कि एक पुकारने वाले की आवाज़ आएगी आसमानों से सदा का अब दी कि मेरे बंदे ने सही बोला है मेरे बंदे ने माय माय पर्सन माय स्लेव इज कंप्लीटली राइट इसने सच बोला है इसकी तस्दीक आसमानों से हारी है ये दो फरिश्ते भी तस्दीक नहीं कर रहे और फिर आसमान से हुकुम किया जाएगा, हुकुम आएगा हुआ इस, इस रूह के लिए कि इसको जन्नत के बिस्तरों से जन्नत के कुशन से जन्नत के नरम तरीन खूबसूरत तरीन बेहतरीन बिस्तरों से इसको इसकी कबर को और इस, इसके जिस्म को लिटाया जाए फिर हुक्म यह आएगा कि इसके इसकी कबर के अंदर तेज़ खूबसूरत ठंडी हवाएं आए फिर हुक्म ही आएगा कि इसकी कबर के अंदर खुशबू आए फिर हुक्म ही आएगा कि इसके कबर को वसी किया जाए आप की एक और हदीस है कि हर कबर के अंदर थोड़ी सी एक कबर के अंदर उस कबर को तंग किया जाता है कि उसको महसूस हो कि कितना 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 खौफनाक मंजर है ये कितना दर्दनाक मंजर हो सकता है पर इस वाक्य के अंदर इस हदीस के अंदर और एक मोमिन के साथ उसके मोमिन की कब कबर को फसी कर दी जाएगी उसके अंदर ठंडी ठंडी हवाएं चलने की जन्नत की खूबसूरत खुशबूदार मस्क होगा और फिर आप वसल्लम फरमाते हैं कि एक शख्स आएगा एक शख्स आएगा इस रूह के पास इस कबर के पास एक खूबसूरत खुँछ, खूबसूरत तरीन शख्स पहले तो फरिश्ते आए थे मलकुल मौत आया था फिर दो फरिश्ते आए दोबारा, मुनकर नकीर आए थे अब एक शख्स आ रहा है और आप फरमाते हैं कि वो इतना खूबसूरत तरीन शख्स होगा उसमें से इतनी ज़बरदस्त खुशबू आई होगी वो शख्स आएगा इसके पास और उसको मुबारकबाद देगी कि मुबारक हो आसानी के लिए मुबारक हो अगले जहान के लिए मुबारक हो जन्नत के लिए और इसको मज़ीद तसल्ली देगा, मजीद इसकी रूह को इतमान और तसल्ली दी जाएगी वो फिर ये शख्स उसको जहनम का मनाजिर दिखाएगा जहन्नम का उसको एक नजारा दिखाया जाएगा कि देखो कि अगर वो तुम नमाजें नहीं पढ़ते कि अगर वो तुम रोजे नहीं रखते कि अगर वो तुम दुआ नहीं मांगते अल्लाह ताला से कि अगर वो तुम शरीक ना कर रहे अल्लाह अल्ला ताला के साथ किसी और को कि अगर वो आप सल्लम की तुम अतात ना करते कि अगर वो तुम मस्किनों की मदद ना करते कि अगर वो तुम अपने रिश्तेदारों की मदद ना करते कि अगर वो तुम किसी खरात के अंदर कोई जाति ना करते किसी के साथ जाति ना करते तो तुम्हारा मंजिल तुम्हारी डेस्टिनेशन तुम्हारा एंड रिजल्ट ये होता इस दुनिया के अंदर भी ये उसूल है इस दुनिया के अंदर और अल्लाह ताला के भी ये उसूल है कि हमें सुकून का हमें अच्छाई का हमें बेहतरी का तब तक उसका लुत्फ उसका मजा नहीं आता जब तक हम उसका ऑपोजिट ना देखें मसलन के जब तक हमें बेचैनी परेशानी तंगी अजाब आजमाइशें हमारे पे नहीं गुजरेगी तो हमें उस सुकून का मजा ही नहीं आएगा जो आजमाइश के बाद आती है या फिर उस रिवॉर्ड का मजा ही नहीं आएगा जब तक उसके बाद आता है तो ऑपोजिट्स का होना बहुत जरूरी है तो उस वक्त भी अल्लाह ताला आपको वो मनाजिर दिखाएगा कि देखो अगर तुमने इस जिंदगी को सीरियस नहीं लिया होता इस टेस्ट को सीरियस नहीं लिया होता इस आजमाइश को सीरियस नहीं ली होती तो तुम्हारा रिजल्ट वो था तुम्हारा रिजल्ट झन्नम था और उसको एक मनाजर दिखाई जाती है उसमें एक खिड़की खोले जाती है जहन्नम की कि जहन्नम में क्या हो रहा था किस तरीके की आग होती है किस तरीके की गर्मी होती है किस तरीके के अंदर लोगों के ऊपर इतना ज़्यादा एक पनिशमेंट हो रही होती है किस तरीके से लोगों के ऊपर इतने आ, इतनी गर्माहट जारी होती है किस तरीके से वो सारे अज़ाब उस उन लोगों के ऊपर आ रहे होते हैं वो सारा मनाजर उसको दिखाया जाता है कि देखो कि अगर तुम अपने माँ बाप की एतात ना करते अपने माँ बाप के साथ इतना अच्छा सलूक ना करते अपने माँ बाप का दिल ना दुखा अपने माँ बाप का दिल दुखाते तो ये रिजल्ट था तुम्हारा पर चूंकि तुमने अपने माँ बाप का दिल नहीं दुखाया तुमने अपने माँ बाप को उफ तक नहीं बोला तुमने अपनी नमाज़ें नहीं छोड़ी तुमने अपने रोज़े नहीं छोड़े तुमने गलत कामों से दूर रहे तुम गुनाहों से दूर रहे तुम लोगों की गलत इशारों पे दूर से दूर रहे गलत लोगों से दूर रहे गलत शोबे से सो, गलत लोगों के से दूर रहे गलत कंपेनिशिप से दूर रहे कि चूंकि तुमने सारी नेकी के ऊपर बड़ी अमल करी, कि चूंकि तुमने सारे वो नेक अमाल करे तुम्हारा रिजल्ट ये है फिर उसके लिए जन्नत का एक दरवाजा खोल लिया जाएगा और उसको वो सारे महल जो उसने होंगे सारे वो दरख्त जो उसने कमाए होंगे सारे उसकी वो गार्डन, गार्डन सारे उसके सारी वो हूरे, सारी जितनी भी उसकी नेमतें जन्नत के अंदर होगी वो सारी उसके वो दिखाई जा रही होंगी वो सारे उसने जितने भी महल कमाए होंगे वो सुन्नत बारह सुन्नतें पढ़ के वो सारी उसने जितनी भी सारी कमाई होगी, सारे रिवॉर्ड्स कमाई कमाएंगे वो सारे उसके सामने दिख रहे होंगे ये शख्स और ये मैयत और ये रू ये पूछेगी उस बंदे से कि यार तुम दिखने में तो बहुत खूबसूरत हो देखने में तो तुम मेरे जैसे हो बातें भी बहुत जबरदस्त करो पर ये बताओ तो तुम हो कौन तुम ये बताओ तो यह तुम हो कौन तो वो शख्स उस शख्स जिसने आपको इतनी सारी तसल्ली इतनी सारी तस्दीक दी वो शख्स ये फरमाएगा कि मैं तुम्हारी वो सारी नेकिया हूं जुमित जो, जो तुमने करी है अल्लाह अकबर तुम्हारी सारी नेकियां एक शख्स के फॉर्म में जो आप जैसे मिलता जुलता होगा आपके सामने होगा आपके सामने वो सारी नकियाँ वो सारी नमाज़ें वो सारी इबादतें वो सारे रोज़े वो, वो, वो सारे कयाम, वो सारी दुआएं, वो सारे मस्किनों की मदद करना वो सारे लोगों को जो उसका आपने पानी पिलाया उस सब लोगों की मदद करना उस एहतराम से बात करना अपने माँ बाप के एहतराम करना अपने रिश्तेदारों के एहतराम करना सिला रहमी करना वो सारी नकिया एक शख्स के फॉर्म में आपके साथ आपकी कबर में आपको तसल्ली और आपको जन्नत का दरवाजा दिखा रही होगी अल्लाह अकबर तो इंसान उस वक्त और इस ये ये मैय उस वक्त क्योंकि बेचैन तो हम हैं अल्लाह ताला से दुआ करेगी अल्लाह ताला से उस वक्त दुआ करेगी कि अल्लाह ताला क़यामत को फौरन लेके आ जाए अभी अभी आप फौरन क़यामत को लेके आ जाए मुझे वो सारे रिवॉर्ड्स चाहिए मुझे वो सारी नेमतें चाहिए जो आपने मुझे मेरे लिए जन्नत में रखी हैं आप क़यामत को अभी फौरन लेके आ जाए मैं मिलना चाहता हूं अपने फैमिली से मैं उनको बताना चाहता हूं कि मेरे साथ ये क्या हुआ है मैं मिलना चाहता हूं अपने दोस्तों से मैं मिलना चाहता हूं अपनी हूरों से मैं मिलना चाहता हूं जन्नत के लोगों से और उनको बताना चाहता हूं कि ये सब मेरा है इन मेरे साथ सारे ये वाक हुए हैं ये महल मेरा है ये सारे बागात मेरे हैं ये सारे दरख्त मेरे हैं ये पूरी की पूरी चीजें मेरी हैं और ये सारी चीजें अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से मुझे बख्शी है अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से मुझे अता करी है और अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से मुझे ये सारी की सारी चीजें दी हैं और इंसान का अलमिया ये होगा उस वक्त भी वो यही चाह रहा होगा कि मुझे ये फौरन की फौरन चीजें मिल जाए अभी मुझे ये सारी चीजें मिल जाए और वो अल्लाह से दुआ करेगा कि अल्लाह त कि आप क्यामत अभी है अभी क़्यामत लोरल्ला तला का हुक्म आएगा कि अभी सबर करो एक तवील सबर करो इन जब तक क्यामत आती है तो मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों मेरे दोस्तों मेरे अजीज हो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बयान करते हैं ये फरमाते हैं कि मौत के बाद आखरत में जाने से पहले आपके साथ एक मोमिन रूह के साथ क्या सिलसिला होगा क्या वाक़ होगा कितनी ज़्यादा उसके लिए रिवॉर्ड्स हैं कितने ज़्यादा उसके लिए नेमतें हैं कितने ज़्यादा उसके लिए इतनी ज़बरदस्त तरीन रिवॉर्ड्स हैं जो उसके लिए वेट कर रहे हैं किस किस्म की उसको जबरदस्त प्रोटोकॉल दी जाएगी किस किस्म को उसको जबरदस्त रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे किस किस्म की उसकी कबर को कितना पुरसकून बनाया जाएगा अल्लाह ताला की तरफ से तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारी कबरों को भी अल्लाह हमारी रूहों को भी अल्लाह हमें भी इसी तरह से इतनी नरमी से हमारी रूह को हमारे जिस्म से अलहदा करिएगा अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी इतनी ही पुरसकून कबर के अंदर एक जगह दिएगा अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी उन सब फरिश्तों से तारीफ तारुफात करवाने वाला बनाएगा अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी उन लोगों से बनाए उन लोगों में से बनाइएगा जिनको ये सारे रिवॉर्ड्स दिखाए जाएंगे बिल्कुल उस वक्त जिस वक्त हमारे सारे रिश्तेदार हमारे लिए रो रहे होंगे सारे के सारे कब्र के पास पास इर्द गिर्द बैठे होंगे कि अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह ताला हमें भी वो इंसान बनाए कि वो जिससे ये सारी नेमतें आता हो जिससे ये सारी की सारी रिवॉर्ड्स आता हो जिससे ये सारी की सारी नेमतें अल्लाह ताला ताल दें ये वो शख्स है ये वो मोमिन है जिसे अल्लाह इतनी ज़बरदस्त रिवॉर्ड्स है रिवॉर्ड देंगे अल्लाह ताला से दुआएं कि अल्लाह ताला हमें हम सबको ऐसे ही आख़रत में ऐसे ही एंड वक्त दे ऐसे ही आखिरी लमहत दें जिससे हमें भी पुरसकून और आप सोलम के इस हदीस के अंदर जिस मोमेंट को का तबसरा किया जाए इसी तबसरे के साथ हमारे भी इसी किस्म का एंड हो आमीन सुमा आमीन कहीं सुनी बातों में जो गलतियाँ थीं वो सारी की सारी मेरी थी और कई सुनी बातें में जितना भी हक़ था वो आज भी अल्लाह का है हमेशा ही अल्लाह का ही रहेगा अल्लाह ताला कई सुनी बातों में जितनी भी गलती थी वो सारी माफ़ फरमाए सुबह नकल वी हमदी का अशद अस्त फ़िर वतुब असलकम व